इसकॉन जो हम लोग आ गए हैं इसकॉन टेम्पल जुहू। इसकॉन टेम्पल जुहू हमारा एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत से माँ सेवा करने आई थी और यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी मिलती हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहाँ पे गिफ्ट आइटम्स और इसकॉन द्वारा बनाया गया जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या हैंडमेड प्रोडक्ट है वो इधर अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है, हमने यूज़ करके देखा है। और पास ही में है एक बेकरी आइटम बेचने का शॉप जो कि इसकॉन का ही है, उस मंदिर प्रांगण में ही है। और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बेकरी प्रोडक्ट मिलता है जिसमें आपका कोई अंडा या नॉन वेज तो होता ही नहीं है। और जो भी चीज़ें हैं या तो शुद्ध घी बटर इन सब चीज़ों से बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी होता है। और साइड में ही आप दाबेली, फिर बड़ा पाव, चॉप आदि भी मिलता है, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये देखिए बड़ा पाव का बड़ा, समोसा। इसमें जो है सारे एकदम सात्विक है, सात्विक इन द सेंस इसमें कांदा लहसुन या प्याज लहसुन नहीं दिया गया है। और सूखी मिठाइयाँ भी मिलती हैं। और ये है हॉल जहाँ पे उस दिन शादी हो रही थी, हम लोग जब संडे को गए थे। वहाँ शादी के लिए भी हॉल रहता है, आप वहाँ बुक करा सकते हो। और ये है गोविंदा रेस्टोरेंट इसकॉन जुहू में। यहाँ पे पहले आपको बुफे लंच के लिए पे करना पड़ता है। हम लोग आए हैं जुहू इसकॉन में, तो इधर आज हम लोग लंच करेंगे। तो इधर बुफे सिस्टम है, तो पहले ऐसे करके आपको पे करके कूपन मिल जाएंगे। इधर बुफे सिस्टम अनलिमिटेड है और अभी ये लॉकडाउन के बाद खुल गया है। दोनों का हम लोग का बिल है 1300 रुपये GST मिला के। आज हम लोग संडे में आए हैं, तो संडे में कुछ स्पेशल मेनू रहता है, 2-3 आइटम कुछ स्पेशल रहता है। और अभी 12 से 3 बजे तक ओपन है। पूरा जो खाना है पूरा सात्विक है, आपको खाना खा के मालूम ही नहीं पड़ेगा जी इसमें कांदा लहसुन कुछ भी नहीं है। और खाना बहुत टेस्टी रहता है, आपको स्टार्टर से लेके स्वीट तक, आइसक्रीम, सब कुछ पूरा अनलिमिटेड है। और मेन कोर्स में भी बुफे में इतनी तरह की वैरायटी थी कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई किया और जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसे हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे। मैं खाने से पहले सलाड्स खाता हूँ, तो मैंने सलाड उठा लिया था। फिर सोचा यार आज तो चीट डे है अपना, तो सिर्फ सलाड खा के क्या रहना है, तो सब कुछ ही खा लेता हूँ। यहाँ पर बहुत तरह का व्यंजन थे, बहुत तरह का वैरायटी था। अभी स्टार्टर से शुरू किया हमने। स्टार्टर में ढोकला लिया है, सलाद लिया है क्योंकि मैं खाने के पहले सलाद लेता हूँ। फिर ये है कॉर्न, ये है एक आलू का जो ये है भाजी बोल सकते हैं, और ये इस तरह का स्टार्टर स्प्रिंग रोल, ये भी है एक वेज कटलेट, और ये पास्ता थोड़ा सा सलाद के साथ। आप क्या कहते हैं, स्प्राउटेड लिया है। इधर 3 वेलकम ड्रिंक है जो फर्स्ट में जलजीरा है, तो हम लोगों ने छाछ लिया है, एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, ये ढोकला है, आपको दिखते कैसे बहुत फ्रेश है और टेस्टी भी है। ये एक बेगन का फ्राई है, वो बहुत टेस्टी है। पूरा स्प्रिंग रोल भी खाते हैं, ये सब पूरा बिना कांदा लहसुन का है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। इसको भी थोड़ा मैं डिप करके सॉस के साथ, बहुत टेस्टी। आज पास्ता भी है, मेरा बहुत फेवरेट है, इसको बहुत टेस्ट आते हैं, बहुत अच्छा बना। 2-3 टाइप का पूरी है, तो मैं सादा पूरी लेकर आई हूँ, और ये है आलू कसूरी मेथी देके सब्जी के साथ, देखते हैं कैसा है इसका। बहुत टेस्टी, आलू तो बहुत ही टेस्टी है। और ये है पाव, और ये है पाव भाजी, ये चीज़ पाव भाजी है, पाव के साथ इसको टेस्ट करते कैसा है। बहुत गर्म है, यम्मी, बहुत ही टेस्टी। मैं भी एक्स्ट्रा और भी आलू कैप्सिकम मेथी और ये सिंधी करी लेके आऊँ, और ये दाल पंच करना, और ये जवार या किसी चीज़ का आटा है, पंच करवा डाल के साथ खाता हूँ। अच्छा, 2-3 तरह का पापड़ भी है। अभी जरा ये नान सिंधी करी के साथ खाते हैं। अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है, पर ट्राई करके देखो, इतना कुछ खाने को है। ये स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक मुझे बहुत अच्छा लगा है, बाहर से तो बहुत ही टेस्टी है। अभी मैं थोड़ा सा नूडल्स भी है वेजिस देके, थोड़ा सा इसको भी, पनीर भी है इसके अंदर, अच्छा है टेस्ट। इधर तंदूरी नान भी है, उसके साथ में पनीर बटर मसाला। तंदूरी रोटी के साथ मैं पनीर बटर मसाला ट्राई कर रही हूँ। ग्रेवी बहुत ही अच्छा है, मसाला एकदम जो बोलते हैं कुछ भी कम नहीं है, सब है, और पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सरसों का साग भी ट्राई करके देखता हूँ, थोड़ा फीका है सरसों के साग में, इतना मजा। ये है वेज बिरयानी, टेस्टी है, थोड़ा रायता के साथ टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। अच्छा लग रहा है रायता के साथ। और ये है नवरत्न पुलाव, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है, बहुत ही सादा है। तो ये जो पनीर बटर मसाला के ग्रेवी के साथ थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है इसका। ये जो है पुलाव, नवरत्न पुलाव है, तो इसको आप सादा नहीं खा पाओगे, थोड़ा सा कुछ ग्रेवी के साथ इसका टेस्ट अच्छा है। अरे कुछ प्लेन जो स्टीम राइस होता है वो भी ले लिया है, उसके साथ जो दाल तड़का या दाल वो भी लिया है। अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है। और ये जो कैप्सिकम मेथी और ये है आलू के साथ और दाल तड़का में मिक्स करके, घी इसमें घी भी रहा है, घी भी मिक्स करके टेस्ट अच्छा लग रहा है। और ये क्यूकम्बर रायता है, थोड़ा सा मिठास है इसमें। और ये पनीर बटर मसाला बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने ये फिर से रिपीट किया है, ये स्प्रिंग रोल मौसम। इसका रायता मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा मिठास भी है रायता में, बहुत टेस्टी, थोड़ा मीठा मीठा है। तो वेज बिरयानी के साथ मुझे बहुत ही अच्छा है। और ये जो क्या है ये वाला, ये क्या चीज़ है? ये है नवरत्न पुलाव। नवरत्न पुलाव ये पनीर बटर मसाला के साथ बहुत टेस्टी लग रहा है। इसका क्वालिटी दूध का कुछ भी बोले प्रोडक्ट का खाने का बहुत टेस्टी होता है, तुमको काफ़ी पता चला कि इसमें कुछ मिलावट नहीं है। दाल ये पंचकर्म में नवरत्न दाल, ये इतना टेस्टी नहीं लग रहा खाने में। मसाला जो है एकदम बैलेंस्ड है, ज़्यादा तीखा भी नहीं है या कम भी नहीं है, ज़्यादातर खाने में ये पंचकर्म में थोड़ा सा वो लग रहा है, तो बहुत अच्छा। ये बूंदी छोटा गुलाब जामुन है, बहुत टेस्टी है। सूखा बूंदी जो बोलते हैं ना, ये ऐसा है सूखा बूंदी। और ये है फ्रूट कस्टर्ड, ठीक है। सो ये है गुलाब जामुन, गरम है एकदम, मतलब रस जो है ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, घी में तला हुआ ऐसा लगा। और ये है रसगुल्ला, रसगुल्ला बंगालियों का फेवरेट। बहुत हल्का मिठास, नरम और कुछ मिलावट नहीं है, वो देख के लगा बहुत अच्छा। सात्विक खाने का वैरायटी इतना ज़्यादा और कहीं पे मैंने नहीं देखा, एक से बढ़ के एक डिश, क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों ने 1.5 घंटे से लंच किया, पूरा 1.5 घंटा लेकर। ये सनसेट जो ड्रिंक है इसमें मुझे गुआवा का, मतलब अमरूद का टेस्ट आ रहा था थोड़ा बहुत। मिठाइयों में ये कस्टर्ड जो था वही इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हम लोगों ने 12 बजे से स्टार्ट किया लंच करना और कम से कम 1:30 बजे तक हम लोग लंच करके उठे। फिर आज कि हिलने का, मतलब अभी हिल नहीं पा रहा हूँ मैं इतना। पहले मैं बहुत जनों को बोला करता था यार इतना खाना खाते हैं, पर आज तो यार मैं खा के अभी लग रहा हूँ यहीं पे सो जाऊँ, इतना खाना खाया। ये जो आज का जो गोविंदा का हमारा खाना था, मैं और मेरी बीवी, सर्बानी आए थे हम लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि सर्बानी का ये बर्थडे है आज, कल था इसमें, तो आज कल हम लोगों ने घर पे ही सेलिब्रेट किया, सैटरडे था और आज संडे है, तो संडे हमने बोला चलिए आउटिंग, और हम लोग साथ में खाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है गोविंदा। हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं, हम देखते हैं गोविंदा रेस्टोरेंट है कि नहीं, क्योंकि सब खाना बहुत टेस्टी होता है। कभी अगर आप लोगों ने नहीं खाया, ज़रूर आइए, किसी भी गोविंदा रेस्टोरेंट में जाइए और खाइए। ज़्यादातर गोविंदा रेस्टोरेंट में अच्छा ही होता है, पर 19-20 का फ़र्क रहता है। जैसा कलकत्ता के गोविंदा में भी खाया, अच्छा लगा। उड़ीसा में खाया, अच्छा नहीं लगा मेरे को। पूरी गए थे मतलब, उधर इतना अच्छा नहीं था। तो इधर जुहू में बहुत ही अच्छा है, आइए आप लोग ज़रूर खाइए। अभी तो हिलने का जगह नहीं है, अभी सोचना पड़ रहा है फिर थाने जाना है। तो देखता हूँ, मैं ओला बुक करता हूँ। अभी बचा है 1:35। हम लोग 12 बजे जब स्टार्ट हुआ था तभी घुस गए थे, खाली था पूरा तब, और अभी भर गया पूरा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। थाने से जो यहाँ पे कम से कम 1.5-2 घंटा लगता है सर मिनिमम, अगर आप इधर आते हो। पर क्योंकि आज संडे है तो कम टाइम लगा, 45 मिनट्स में हम लोग घर से निकले थे 10:10 ने ओला मिलते मिलते, वो कैंसिल, फिर से बुकिंग कैंसिल, बुकिंग करते करते 10:30 बजे तक हम लोग बैठे और इधर पहुंच गए 11-10-15, मतलब 40 मिनट्स लगा हम लोगों को मैक्सिमम। और यहाँ गया फिर एकदम 12 बजे जैसे स्टार्ट हुआ, हम लोग घुस गए, खाना स्टार्ट कर दिया। सुबह कुछ खाया नहीं था, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया, जैसे कि हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो सीधा आ गए यहाँ पर, टूट पड़े हम लोग खाने के। तो बर्थडे गर्ल, आपको कौन सा खाना ज़्यादा अच्छा लगा और कैसा लगा? मुझे तो सभी अच्छा लगा, और आज का दिन भी मुझे बहुत अच्छा ही लगा। एक तरफ से दर्शन भी हो गया ठाकुर जी का ऐसे, और फिर खाना भी हो गया, और थोड़ा बाहर घूमना भी ऐसे हो गया। तो ये लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं इसकॉन टेम्पल में। तो बीच में तो चालू था, फिर भी बंद हो गया था, तो अच्छा ही लगा आज का दिन मेरा। और कौन सा खाना सबसे अच्छा लगा आपको? मुझे स्टार्टर भी अच्छा लगा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत अच्छा लगा, मैंने 3 ग्लास पी लिए। और ऐसे बिरयानी भी सो था, खुद ऐसे वो सादा नहीं खा पा रहे थे, तो सब्जी के साथ अच्छा लगा। और ठीक है, खाना बहुत ही अच्छा है। कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट लगा आपको इतने सारे खाने में? मेरे ख्याल से 20-30 तरह का तो खाना ही था। हाँ, सभी थोड़ा बहुत ऐसे मिला जुला के अच्छा ही है। राइस में भी कुछ थोड़ा सा ठीक है, सब्जी में तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने दाल ट्राई नहीं किया, क्योंकि दाल तो रोज़ ही घर में खाते हैं, तो इधर आके मुझे दाल खाने के लिए मन नहीं था। तो मैं थोड़ा बहुत सब्जी खाया, स्टार्टर खाया, और पास्ता अच्छा लगा, सभी बहुत ही अच्छा है। ये उस दिन का बूफे का जो मेनू था वो है। हम लोग बिना मेनू देखे ही अंदर घुस गए थे, क्योंकि हमारा तो फेवरेट प्लेस है। और अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो भी मेरी आपसे दरख्वास्त है, ज़रूर जाइए और एक बार